मशहूर हस्तियों के साथ सेल्फी के जमाने में एक शख्स ऐसा भी है जिसका दावा है कि उसके पास 5000 से ज्यादा हस्तियों के ऑटोग्राफ मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आइए आपको मिलवाते हैं अमरजीत सिंह से, जो पिछले 5 सालों से मशहूर हस्तियों के ऑटोग्राफ इकट्ठे कर रहे हैं। अमरजीत का दावा है कि उनके पास 5000 से ज्यादा हस्तियों के ऑटोग्राफ मौजूद हैं। आप खुद सोचिए, 5000 ऑटोग्राफ सहेज कर रखना ही अपने आप में बड़ी बात है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज किया गया है। हालांकि उनका नाम जो रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, उसके पीछे की वजह ये 5000 ऑटोग्राफ नहीं बल्कि ऐसे 114 खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ लेना है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल हासिल किया है। मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मैं ऑटोग्राफ्स कलेक्ट करना मेरा एक शौक है। मैं पिछले 7 साल से ऑटोग्राफ्स कलेक्ट कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी अलग शौक है, अलग हॉबी है। हर किसी को किसी न किसी चीज़ का शौक होता है। किसी को क्रिकेट खेलने का होता है, किसी को स्विमिंग करने का होता है। मुझे थोड़ा सा अलग शौक लगा हुआ है, मुझे ऑटोग्राफ्स कलेक्ट करने का शौक है। थोड़ा अलग है बट अच्छा है। मतलब कि बात की जाए तो आपने किन किन लोगों के ऑटोग्राफ लिए होंगे? ऑटोग्राफ्स मेरे पास 5000 से ऊपर ऑटोग्राफ्स हैं, और अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा, राकेश शर्मा जी जो कि अंतरिक्ष में हमारे इंडिया के पहले गए थे, बहुत ऑटोग्राफ्स हैं मेरे पास। मतलब आप शायद नाम ही लेंगे और मेरे पास शायद उनका ऑटोग्राफ होगा। क्या मिलता है? देखिए, ऑटोग्राफ कलेक्ट करने से क्या होता है, आप सोचते हैं कि भाई, कई लोग मुझसे पूछते हैं, अब सबका अपना अपना शौक है तो मुझे थोड़ा अलग शौक है। अब ऑटोग्राफ ही क्यों? क्योंकि जब आप ऑटोग्राफ किसी का लेते हो ना, तो ऑटोग्राफ एक बहुत आसान सी चीज़ है कि जो आप एक सेलिब्रिटी से आप मांग सकते हो, क्यों, जिनसे आप इंस्पायर होते हो। हो सकता है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ तो हो सकता है मैं सचिन से इंस्पायर होता होऊंगा। हो सकता है अगर मैं एक गायकर बनना चाहता हूँ तो हो सकता है मैं लता मंगेशकर जी से इंस्पायर होता होऊंगा। तो दुनिया में हर बंदे की एक इंस्पिरेशन होती है, ठीक है। मैं उन इंस्पिरेशंस का ऑटोग्राफ्स लेता हूँ, ठीक है। तो ऑटोग्राफ एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत आसानी से सेलिब्रिटी आपको देगा, खुश होकर देगा, और फ्यूचर में वो एक हिस्टोरिकल चीज़ है क्योंकि वो उनकी पर्सनलाइज चीज़ है, उनके हाथ से किया हुआ दस्तखत है। तो वो एक फ्यूचर में एक इन्वेस्ट, वो एक फ्यूचर में एक बहुत अच्छी एक हिस्टोरिकल चीज़ बन जाती है कि आपके पास है। रिकॉर्ड तोड़ ऑटोग्राफ आपने लिए हैं तो क्या किसी बुक में भी आपका नाम दर्ज है? जी, अभी हाल ही में एक अपना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरे को ओलंपिक मेडल विनर्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑटोग्राफ्स की वजह से मेरा नाम दर्ज हुआ था। तो हालांकि मैं ऑटोग्राफ्स किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं कलेक्ट करता, मैं अपने शौक के लिए कलेक्ट करता हूँ। बट हाँ, ठीक है, मतलब उन्होंने मुझे अप्रोच किया था तो मैंने अपना नाम दर्ज कराया तो मेरा उसमें नाम आया, तो ठीक है। बट मैंने कभी भी किसी रिकॉर्ड के लिए या किसी चीज़ के लिए ऑटोग्राफ नहीं किया, मैंने कलेक्ट अपने लिए किया है। गिनीज बुक से आप कैसे पीछे रह गए? देखिए, पीछे तो क्या रहे, बाकी मुझे ऐसा एज सच गिनीज का कोई कभी मैंने उसमें दर्ज नहीं कराया। बट ठीक है, कभी दोस्त मेरे कहते हैं कि आप इसमें भी दर्ज कराओ, कभी देखेंगे, कभी मौका लगेगा तो उसमें भी जरूर करवाएंगे। सभी ऑटोग्राफ अमरजीत ने एक बुक में सहेज कर रखे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई पूर्व प्रधानमंत्री, अमिताभ बच्चन, दलाई लामा, मदर टेरेसा सहित बड़े खिलाड़ियों और बड़े बड़े हस्तियों के अमरजीत ने ऑटोग्राफ लिए हैं। अमरजीत बताते हैं कि उनके ऑटोग्राफ लेने का मकसद उन लोगों के पीछे के संघर्ष की कहानी को याद रखना है। हाल ही में ग्रेजुएशन पूरी करने वाले अमरजीत चाहते हैं कि ये कलेक्शन किसी संग्रहालय का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने स्तर पर ये करेगी तो उन्हें खुशी होगी, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो फिर वो अपने पैसे पर अपने स्तर पर कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनके मेहनत लोगों के बीच पहुँच सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।